हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल एम्प्टी कॉर्नर वर्ल्ड पे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल टॉपिक जो है आदतों के ऊपर। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आदत के बारे में, यानी कि कौन सी आदतें हमारे लाइफ में हमारे लिए अच्छी नहीं होती। बिकॉज ऑफ लोग तो मतलब लोगों के पास बहुत सारे आदत होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत सारे अच्छे होने के बावजूद भी उनका अगर कोई एक बुरा आदत होगा तो वो अच्छाई उस बुरी आदत के लिए बिगड़ सकती है। हमारी जो आदतें होती है वो मकड़ी की जाल जैसी होती है। अगर हम लोग अच्छे भी हो या बुरे भी हो, वो मकड़ी की जाल जैसे हम लोग फंसे हुए होते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते हैं, वही मेन बात है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आप लोग अच्छे भी हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी गलत आदतें होती है। तो दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, जो 5 आदतें जो हमारे लाइफ में कभी भी होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप भी देखिए वीडियो को कि आपको कौन सा आदत है जो आपको लाइफ में परेशानी होती है। दोस्तों, पहला जो आदत है वो है काम टालने का आदत। यानी कि जो लोग मतलब आलसी होते हैं, जो लोग मतलब हमेशा ये कहते रहते हैं कि हाँ, ये जो काम है मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, अभी नहीं कर सकता, बस वही मेन बात है। क्योंकि अगर आपका ये आदत रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं बन सकोगे। दोस्तों, जो लोग सफल व्यक्ति होते हैं वो कभी भी काम को टालते नहीं है कि मैं अभी नहीं कल करूँगा परसों करूँगा, बिकॉज ऑफ वो कल और परसों कभी आता ही नहीं है हमारे। बिकॉज हम लोग बस आलसी होते हैं, बस हो जाना चाहिए कुछ काम, बस कल करूँगा, अभी तो मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। पर वो जो कल आते हैं तब हम लोग कहते हैं छोड़ो, वो कल कर लूँगा, बस हम लोग इजीली ले लेते हैं। बट ऐसे होने से हम कभी भी जिंदगी में सफल नहीं बन सकते हैं, हम हमेशा आलसी के आलसी ही बने रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, काम को अगर आप लोग टालते हो तो अभी से आप लोग काम को टालना बंद करो। अगर आप लोग लाइफ में सफल बनना चाहते हो तो सफल व्यक्ति की तरह हमेशा जो भी काम है उसके लिए आप लोग फर्स्ट एक रूटीन बनाओ। बिकॉज ऑफ जो प्रायोरिटी क्या है, मतलब कौन सा काम आपको आगे करना है, कौन सा पीछे करना है, उसके लिए आप एक लिस्ट बना के रखो। अगर आप लिस्ट की तरह मतलब काम करने लगोगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं, नहीं तो बस काम वैसे ही रह जाएगा और काम होगा ही नहीं, और वो कल परसों आएगा भी नहीं, वही मेन बात है। इसीलिए दोस्तों, काम को टालने से अच्छा है आप काम को कंप्लीट करो, और देखना आपका जो भी काम है आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा है वो तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, वो है लेट उठने का आदत। बहुत ही बुरी होती है। बिकॉज ऑफ जो लोग लेट उठते हैं उसका काम हमेशा रह ही जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मतलब लेट ही नहीं, अपने आप को बस ये सोचते हैं कि हाँ, मैं लेट उठता हूँ, कुछ नहीं, मैं काम को कंप्लीट कर लूंगा। बट वो कभी ये नहीं सोचते है कि सफल लोग जो होते हैं वो कभी भी अपने काम को मतलब बाद में ऐसे नहीं करते, वो हमेशा आगे इसलिए रहते हैं क्योंकि उसका काम जो है समय तो समय करते रहते हैं, और इसीलिए वो लोग हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा उसका काम भी कंप्लीट होते हैं। जो लोग लेट उठते हैं, जो लोग सब टाइम को वैल्यू नहीं करते हैं, उसका काम हमेशा रह जाता है। जो उसका ब्रेकफास्ट होता है वो लंच हो जा, लंच के टाइम में वो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका जो काम सुबह का होता है वो जाके शाम को होते हैं, बाद में उसको वीकनेस फील होता है, बहुत सारे उसको मतलब खुद के अंदर भी गुस्सा भी आता है, कभी कभी वीकनेस फील होता है, तो वही मेन बात है। तो दोस्तों, जो लोग लेट उठते हो वो लोग हमेशा जल्दी उठा करो, क्योंकि जो लोग लेट उठते हैं उनका कुछ भी काम नहीं हो पाता। इसीलिए समय पे काम करो, हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो हमारी मेमोरी होती है वो बहुत ही ताज़ी होती है। इसीलिए कुछ भी काम हो तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। सुबह उठ के हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो बिजी लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ हम लोग बस आराम से
खाते हैं, सोते हैं और अगर काम भी करते हैं तो सिर्फ बैठे बैठे करते हैं, कुछ भी हमारा शरीर का वर्क नहीं होता, सिर्फ मेंटली वर्क होता है। और उसके लिए हम लोग हमेशा हेडेक में रहते हैं, या तो डिप्रेस में रहते हैं, या तो बहुत सारे टेंशन ही टेंशन। बस उसके बाद क्या होता है, बस हमारे लाइफ बस नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो इसीलिए पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले अपना जो उठने का आदत है उसको चेंज करो। ये बहुत सारे लोगों की बुरी आदत है, तो इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, 3 नंबर में आते हैं जो समय के साथ ज्ञान ना बढ़ाने की आदत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपना ज्ञान पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, यानी कि वो समय के साथ अप टू डेट नहीं रहते हैं। वो मेन बात है, बिकॉज ऑफ अभी जो लाइफस्टाइल है वो दिन ब दिन मतलब इतना अपडेटेड होते जा रहे हैं कि हमें हमेशा उस अपडेटेड में चलना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप लोग देखते हो कि कोई भी ऐसा वीडियो बनाते हैं कि हाँ हमें अंग्रेजी सीखना है, हाँ हम लोग ज़रूर ये कहते हैं कि हाँ हमारे जो मतलब नेशनल जो मतलब भाषा है वो है हिंदी, हमें हिंदी कहना चाहिए अपनी मातृभाषा, बट हमें इंग्लिश भी सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे, बट हमें सीखने से क्या होता है, हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसे कुछ सीखना चाहिए जो हमारे काम आए और हम दूसरों को भी सिखा सके। इसीलिए लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि समय के साथ अपनी ज्ञान ना बढ़ाते हैं, यानी कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। बट आप लोग हर समय हर सेकंड में कुछ ना कुछ सीखो, किसी और से हो, किताब से हो, मोबाइल से हो, बस कुछ मतलब नॉलेज अपने आप को आप मतलब लोग कि हाँ मुझे ये आता है और मैं दूसरों को भी आज के दिन कुछ ना कुछ सिखा सकती हूँ। ऐसा आपका अगर मतलब क्रिएटिविटी रहेगा तो आपका भी आप कभी भी लाइफ में मतलब अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे, क्योंकि सफल बनने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी बहुत ही ज़रूरी है और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ क्रिएटिविटी कुछ मतलब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप दूसरों को क्या, खुद ही कुछ नहीं सीख पाओगे, यही मेन बात है। दोस्तों, जो 4 नंबर में आते हैं वो है हार मत मानना। मतलब जो हार मानते हैं, हार मानने वाला आदत, जो लोग गिव अप कर देते हैं, यानी कि लोग बहुत सारे काम के लिए आगे तो ज़रूर बढ़ जाते हैं पर वो थोड़ा टाइम आगे बढ़ के अगर उसको उसमें कठिनाइयाँ दिखाई देता है तो वो गिव अप कर देते हैं। वो बहुत ही मतलब गलत बात है, वो बहुत लोगों के बीच ऐसा हो जाता है। जो लोग अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं वही हमेशा गिव अप करते हैं। जो लोग सफल होना चाहते हैं और जो लोग सफल हुए हैं वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ आप अगर गिव अप करते हो तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी हार मत मानना। आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया है कि हार मानना क्या है, यानी कि अगर हम अंदर से सोचते कि मेरा हार हो गया तब हम लोग आगे उठ नहीं पाते हैं, वही मेन बात है। कभी भी अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो आप उसमें गिव अप मत करो, उसके लिए प्रयास करो, और प्रयास करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए ये जो बुरी आदत है हार मानने वाला, अगर आप लोगों के पास ये आदत है तो आप लोग इसको जल्दी ही छोड़ो, बिकॉज ऑफ अगर आप गिव अप करोगे कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। इसीलिए आप गिव अप मत करना, अपना जो मंजिल है उसको पाने के लिए अंत तक कोशिश करना, आपको वो जरूर मिलेगा। दोस्तों, लास्ट में जो है वो है गलत लोगों से सलाह लेना। ये तो आप खुद से पूछ लो, ये तो सबके साथ होता है, बिकॉज ऑफ 99% लोगों के साथ होता ही है, बिकॉज हम लोग गलत लोगों की सलाह लेते हैं। यानी कि हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड क्या, आप एक अच्छी दोस्त अच्छे जीवन साथी जिंदगी में चाहिए जो आपको सच्ची सलाह दे, पर कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको जिंदगी में सच्ची सलाह के अलावा आपको ऐसे सलाह देंगे जो आपकी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में एक अच्छी पॉजिटिव इंसान बहुत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एग्जाम्पल फॉर आप लोगों ने देखा होगा रामायण में कैकेयी का सलाहकार कौन था, ऑब्वियसली मंत्रा थी, जो कैकेयी करना नहीं चाहती थी बट मंत्रा की जो सलाह से उन्होंने वो काम किया, उसमें आप लोगों ने देखा है शायद रामायण में। सो दोस्तों, यही मेन बात है, उसने नेगेटिविटी फैलाई और इसीलिए उसने उसको एक्सेप्ट करके, उसको सुन के, उसकी सलाह लेके उसने भी नेगेटिविटी दी।
महाभारत में आप लोग देख सकते हो दुर्योधन के सलाहकार कौन थे, ऑब्वियसली शकुनी मामा। सो उसने भी उसको ऐसी सलाह दी जिससे उसने नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी हुआ और इसलिए महाभारत का जन्म हुआ। एंड देन आप लोग देख सकते हो, अगर पॉजिटिवली सोचो तो देख सकते हो कि जो अर्जुन थे उनकी, जो महाभारत में अर्जुन थे तो उनकी जो सलाहकार थे वो थे कृष्ण, और जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनके साथ थे उनको सलाह दिए और इसीलिए उसने महाभारत की जो जंग थी उसको जीता। तो वही मेन बात है कि अगर हमारे लाइफ में हम लोग सफल होना चाहते हैं तो ये सारी आदतें हमें छोड़नी बहुत ही जरूरी है। एंड देन मेन बात है कि अगर जिंदगी में अगर निगेटिव इंसान रहेंगे, निगेटिव इंसान के सलाह लोगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए जिंदगी में अगर आपकी मतलब लाइफ में भी कोई निगेटिव इंसान है तो आप उससे कभी भी सलाह मत लो, जितना हो सके उससे दूर रहो और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव माइंड के लिए आप लोग अच्छी अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी दोस्त होना तो बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा करो कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव बातें कहते हैं तो आप उसको भी पॉजिटिव बातें करके उसको भी पॉजिटिव करो, क्योंकि एक नेगेटिव बातों से मतलब पूरा सारा एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों आज मैंने बताया आप लोगों को पांच ऐसी मतलब बुरी आदतें जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही खराब होते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग जरूर याद रखना, और आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हमेशा अपने अंदर में ये सब चारों चीजें मतलब ये पांच जो मैंने आदतें बताए हैं उसको सोचना, और अगर आपके पास है तो आज से ही उसको छोड़ो, और हमेशा लाइफ में सफल होना है तो इसे छोड़ने से आप लोग सफल बन सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड हमेशा हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, एंड हमेशा ऐसे ही हंसते रहो।